हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शबी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम लोग घुमक्कड़। और फ्रेंड्स, हम आपको आज ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जिस जगह के बारे में कुरान में लिखा गया है, और हम आपको बताएंगे इसकी पूरी स्टोरी। पूरी स्टोरी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, ये जगह इसकी के अंदर है, थोड़ा सा ऑफ रोड आकर ये यहाँ पर स्टेडियम आ जाता है, और स्टेडियम से जैसे हम लेफ्ट लेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। और फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपने डिस्टिनेशन पे, और इस जगह का नाम है जरनव केव, जो कि एशियट अल निज़ार विलेज के बिल्कुल नीचे है। और जैसे कि हमने आपको बताया था, ये रहा सामने स्टेडियम, और स्टेडियम के बिल्कुल अपोजिट ये केव है। और हमने अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है। हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से वॉक करके, और यहाँ से वॉक करके आप देखेंगे सामने स्टेयर्स भी बनी हुई हैं। यहाँ पे स्टेयर्स से ऊपर जाके आप जनरल केव के अंदर आप जा सकते हैं। हम जा रहे हैं भाई अभी यहाँ पे केव में। थोड़ा यहाँ से आपको केयरफुल जाना पड़ेगा, पहुँच जाएंगे आप। और फ्रेंड्स, मैं तो राइट साइड से चढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से डिफ़िकल्ट है चढ़ने के लिए, लेकिन जो इसकी स्टेयर्स बनी हुई हैं वो लेफ़्ट साइड से हैं। अगर आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लेफ़्ट साइड से आइए, वहाँ पे बहुत अच्छी स्टेयर्स बनी है, आप इजीली ऊपर आ जाएंगे। और ये जो देख रहे हैं ये ही है एशियंट अल निज़ार विलेज, और इसके जस्ट नीचे है जरनान केव। और ये स्टोर पर क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं इसको। और इस पे लिखा है, ओ भाई, ये तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर पुरानी केव है। और भाई ये रही वो केव। और इस्लाम आने से पहले यहाँ के लोग सोने के बछड़े की पूजा करते थे, और जब ओमान के अंदर इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता आने लगा तो इन लोगों ने उसको, इस बछड़े को, इस केव के अंदर छुपा दिया। इस केव के दो पैसेज है, एक है और जो दूसरा पैसेज है उस पैसेज के अंदर सोने के बछड़े को छुपा दिया। और गाइस, ये देखिए केव। और फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजर है क्योंकि यहाँ पे स्टोन वगैरह गिरते रहते हैं, और आगे जाके ये थोड़ा बंद भी कर दिए हैं क्योंकि अंदर अगर जाएंगे तो देखेंगे आप अलग अलग रास्ते हैं इसके। और फ्रेंड्स, जो काओ का जो सोने का जो बछड़ा था जिसकी पूजा करते थे, वो इसी के अंदर उन्होंने छुपा दिया था। और बहुत लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की है इस केव के अंदर, लेकिन उनको नहीं मिली है। लेकिन सेफ्टी ऑफ पॉइंट से अब इसको, केव को बंद कर दिया गया। और थोड़ा सा मैं आपको इसका अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखने में भी बहुत थोड़ी डेंजर लगती है क्योंकि अंदर तो बिल्कुल ही डार्क है। ये देखिए, और इसके अलग अलग रास्ते भी है, और ये बिल्कुल अभी बिल्कुल क्लोज कर दिए। और फ्रेंड्स, सेफ्टी पर्पज़ से बच्चों को प्लीज़ आप अंदर मत लेके आइए। और ये देखिए, बाहर भी बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे अब बैठने के लिए, सिटिंग के लिए बना हुआ है। आप यहाँ पे स्नैक्स वगैरह और खाना वाना अपना जो भी लाए हैं, आप यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये स्टेयर्स भी बनी हुई है भाई, यहाँ से स्टेयर्स से आप जाके और इस साइड से आप वॉक करके, फिर वहाँ पे स्टेयर्स है, वहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं और फिर वॉक करके वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। भाई ये देखिए, पूरा का पूरा सिटी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस जगह पे आप ज़रूर विज़िट करें, और जो यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय बाय।